वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आज है सैटरडे और यहाँ कौन आया है? महाम इधर आओ, ये बैठी है, तू वहां ढूंढ रही है, इधर आओ। अरे ये छुपी है, इधर बैठी है, इसको ढूंढ रही है। हुरू को बुलबेन आए हैं, आयशा आई है, उधर है रोटी बना रहे अम्बू के साथ, और ये यहाँ छुपी है माहम से। तो अभी बज रहा है 1:15 और हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। चाय और क्या खाया पर लोगों ने? चिप्स बिस्किट। बुलबेन ने लाया था बिस्किट को। बंद कर दो बुलबेन, अब ऐसा लिखाएंगे आयशा की तो अब लिखना ही छोड़ देंगे, बोलेंगी मेरे को थोड़ी देर आराम करने दो। पहले हाय बोलो। आयरा कैसे बोलती है? हाय फ्रेंड्स, दिखाऊं आयरा व्लॉग में कैसी बोलती है? हाय फ्रेंड, इसमें बोली थी, आप भी बोलो, हाय बोलो, हेलो। महाम ने भी बोली है 2-3 व्लॉग में, मगर आज नहीं बोलती, और इसके पहले भी नहीं बोली थी। बोलो हाय फ्रेंड्स। इसका ड्रेस देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। कैसे करते महाम, कैसे घूमते? नहीं नहीं, ड्रेस खराब होगा, वैसे नहीं करो। और आपकी वॉच का वो हेलीकॉप्टर उड़ गया, नहीं बताया आपने कहाँ गया? हाँ ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ गया, ऊपर का ऊपर ही रह गया। स्कूल में रह गया, स्कूल में। हाँ देख उधर, देख उधर, देख महाम, देख दिखी। अरे कौन बोला गंदे बच्चे? कौन बोला? कौन बोला माम को गंदे बच्चे? मम्मी ने बोले। हे माँ कैसे टकराई अम्मू मासी को, देख। फ्रेंड्स यहाँ मैंने चढ़ा दी चाय, बज गए 5 और यहाँ मेरे अभी बर्तन पूरे पड़े हैं दोपहर के, अभी धोऊंगी, उसके बाद में प्रेस करूंगी इनके कपड़े। मेरे कपड़े तो प्रेस्ड है ऑलरेडी, और फिर हम लोग जाएंगे 8:30 बजे वली में निकल जाएंगे, हमको जाना है कामठी रोड। और इसके पापा भी आज आ जाएंगे, पापा भी आज आ जाएंगे और रात में, क्योंकि उनको अनवर भाई के यहाँ के फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है, उन्होंने जबान दिए हैं, तो बोले हैं कि मेरे लिए कपड़े प्रेस करके और एक गाड़ी छोड़ के चले जाना, ताकि मैं ट्रैवल करके आऊँ और फिर फ्रेश होके निकलूँ लॉन के लिए। तो वो 10:30 बजे तक के पहुँचेंगे लॉन में। तो अभी आयशा बुलबेन निकलने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोली रुको मैं चाय बनाती हूँ, हम भी पीते तुम भी पियो, हम अपने काम में लगते तुम अपने काम में लगो, है ना। तो चलिए फिर मैं चाय पीने के टाइम मिलती हूँ। घर जाऊँ मत, हम तो अम्मी और मैं मोइनपुरा जाएंगे, हम तो खाना खाते नहीं। वो अच्छा वो बोल रही हाँ, वो अकेला अकेला तुम जाओ मोमिनपुरा बोल रही होगी, हम भी जा रहे हैं ऐसा उसने बोली होगी, अपन को समझना है ना माँ। हाँ वेरी गुड, चूड़ा माँ आयरा से बात कर रही? नहीं। आपको भी चाय चाहिए? नहीं जाती हूँ। लादू लादू, और ये नहीं ना जी। तो फ्रेंड्स हो गया मेरा सारा काम, और बज रहा है अभी 7:45। रोशन भाभी को 2 कॉल करी, पता नहीं शायद वो बाहर गए हुए और भाई के साथ। चेतक की चाबी कहाँ है बेटा? चेतक की चाबी है मासी के बैग में, हमारे बैग में, वो वहीं ये है बेटा ये। हाँ तो भाई के साथ, आज भाई की छुट्टी रहती है, शायद भाई के साथ कहीं गए हैं, और पर्स में रहता है फोन, तभी वो नहीं उठाते। मैंने करी हूँ, अब 8:45 की मैं जाऊंगी नहाने, नहा के आऊंगी और फिर फ्रेश, मतलब मेकअप वेकअप करूंगी हल्का फुल्का, क्योंकि पसीने में तो मेरा मेकअप जमता नहीं है, और उसके बाद हम लोग ओला करके निकल जाएंगे। पापा आ जाएंगे 9 बजे तक,
तो चलिए फिर पता नहीं मेरे से अब भाभी को कर पाऊ नहीं कर पाऊ क्योंकि मेरा ना वो एनर्जी लेवल लो हो रहा है क्योंकि गर्म से आ रही ना किचन से पूरा मैं गीली हुई है पूरी अच्छा ना सुलाए यार मैम पूरा रेडी होके सो रही है बता अच्छा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी आधे घंटे में ओला में लेके बैठ भी जाएंगे तो मतलब नहीं है वो सोई भी रहेगी तो एक नींद हो जाएगी लगा देंगे सोए सोए नहीं जेब में रख लो ना उठेगी तो लगा लेंगे तो चलिए फिर तैयार होना शुरू करते हैं मेरे को आधे घंटे में तैयार होना है मेरा बच्चा सो गया था देखो कितना प्याला प्याला लग रहा है चलो मामा चलो जाएंगे नानी मासी करिए तैयार यहाँ हम सब तैयार हो गए मेरा भी लो हमारी राइड आ गई है और पूरा 9 बज गया 8:30 बजे निकलने वाले थे अच्छा है ना आधे घंटे पहले का नाम लो आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको तो हम लोग आ गए सेलिब्रेशन हॉल मैम मैम देखो इधर मैम तो हम लोग आ गए देखिए डेकोरेशन अच्छा लग रहा है रोशन भाभी लोग अभी आए नहीं है करती हूँ फोन एक बार और खड़े रहो ना सामने में फोटो खींचती दोनों भाई नरगिस फोटो खींचती ना महाम ईटिंग शुगर कैंडी वाओ चम्मच भेल और यहाँ अम्मी अमीना खा रहे पानी पूरी मैंने खा ली है नरगिस ने खा लिया हम लोग खा रहे भेल तो नहीं दिख रहे रबड़ी जलेबी बहुत टेस्टी है पापड़ी चाट थोड़ा रुखा था बाकी सब टेस्टी है ना हम आप और लस्सी पियोगे जाओ वहां से आंटी से लेकर आओ हम लोग टेबल में बैठ गए और यहाँ अमीना और वो हमको खिला रही है स्टार्ट हो गए हाँ अब देखिए पहली मिठाई आई है साथ में अनवर भाई के डेरी के अभी डेरी का स्वीट्स है अब दोस्त नहीं तुम चम रात यहाँ पर सब्जी रोटी भी है मगर हम नहीं खा रहे हम अम्मी और मैं सीधा बिरयानी ले रहे क्योंकि वही है ना मटन फिर जाएगा मेरे पेट में इसीलिए मैंने हाँ ये हड्डिया है अब पीस नहीं है फेंक रही हूँ तो बोलेंगे हड्डिया है चूरा चूरा है अभी खाने की चुना था अम्मी खाया है पनीर बोल रहे हेलो हेलो बेटा एक्सक्यूज मी हेलो हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली रोशन भाभी से बात हो गई मोमिनपुरा गए हैं बोलते वो उनको तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं घर पे ही है भाई और कैब अब तक तैयार नहीं हुए क्या बोल तो चलिए फिर हमको एक घंटा यहाँ किसी भी हाल में वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर अगर जाने का इंतज़ाम अगर बाइक ज़्यादा है और हम आ सकते हैं तो बैठ जाएंगे और अगर नहीं है ओला ही करना है फिर हम निकल जाएंगे किधर ए पुराने आयान पुराना तो वहाँ है दूल्हे का स्टेज यहाँ है दुल्हन का स्टेज माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है और अनवर भाई के इधर तो सारे ही बहुत प्यारे हैं मैं जा रही हूँ नरगिस लोगों के पास फिर हम लोग निकलने लगे हैं बाहर हो गया काफी देर हो गई 11:30 बजने लगा है अब आपको मैं सीधा मिलती हूँ घर पर वाहन तो बड़ी खुश है
कुछ तो भी गाना गा रही थी, अब चुप हो गए थे। छोटी माहम, छोटी माहम गाना करते थे। जाफर नगर पर जैसे सदर है, बूढ़े वाले की जोरी मकान बता रही हूँ बाजी। तो गाइज हम लोग आ गए घर और बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। और माहम का घर आते से बलून फूट गया। क्या हुआ? बलून फूट गया, नया बलून बनाई है माहम ने। बहुत गर्म हो रहा, वहां अच्छा था, ठंडा था, लॉन में मस्त हवा चल रही थी। चेंज करके वापस। नहीं बाबा, मैं तो मेकअप भी उतार ली, अभी थोड़ा वाइप लेके ये काजल का और लाइनर का निकालूंगी, तो कितने बुरे दिखते हैं इसके बाद। अम्मी क्यों बंद करे, घर ठंडा हुआ ना। क्या बा, अरे चुहिया का कूलर खेल रही हो? हाँ हाँ चालू रहने दो बाबा, बहुत गर्म हो रहा है। ये क्यों फिर बाहर रखा है? चीख रही थी जोर जोर से। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले शॉर्ट्स और वीडियोस आपको मिलते रहे। और मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, शॉर्ट वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं बताना जरूर मुझको, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।